आज मैं कंट्री मुर्गे का सालन बना रही हूँ, देसी चिकन का सालन। ये 1.5 किलो चिकन है और इसका मसाला मैं पीस रही हूँ। ये अदरक है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 सिनेमन स्टिक, 5 से 6 लौंग, 2 इलायची और ये 1 गाट लहसुन की, तो 1 प्याज बड़ी, थोड़ा हरिया धनिया 1 मुट्ठी, इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसमें ऑयल डाल रही हूँ, इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, एक प्याज ब्राउन हो रही है, एक स्पून टेस्टिंग पाउडर, टेस्टी अनुसार चिली पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला पाउडर डालकर, और जो ये मसाला अदरक लहसुन कोथिमीर प्याज की सब्जी वो मसाला, ये मसाला पक चुका है, इसमें से एक से तेल ला रहा है आयल में, अब इसके तेल पर ये मुर्गी ऐड करेंगे। ये देसी मुर्गी है, ये गलने में ही इसका गोश्त हार्ड होता है, इसलिए ये गलने में बहुत अपना 7-8 मिशन को ये चिकन में बॉईल होता जब तक अच्छा गलाए। अब इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं, देसी मुर्गा है अंडे वाली, इसमें थोड़ा पानी ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, इसमें थोड़ा पकने के बाद इसमें और मसाले ऐड करके इसे लगाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेसेस, इसमें खोपरा, कच्चा नारियल आपकी जरूरत के अनुसार, मैं एक कटोरा कच्चा नारियल ली हूँ, में 1 स्पून खसखस, 1 स्पून मगज के बीज भून ली हूँ, वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है, इस तरीके से भी बनाकर देखें, बहुत टेस्टी होगी। अभी पक रहा है, इसके अंदर एक खोपरा और खसखस मगज के बीज जो थी मिक्स किया था वो डाल देंगे। इसमें 5 टमाटर पीस कर ऐड कर रही हूँ, आपको कितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से इसमें पानी ऐड करें और इसे अच्छा गलने दें, क्योंकि ये जो हार्ड है गोश्त जल्दी नहीं गलता। 8 सीटी कुकर की लगाइए, क्योंकि कुकर का एक एक हिसाब होता है, अपने कुकर के हिसाब से सीटी लगाएं। लिख मुझ रही हूँ इसका, अब इसे अपने कुकर के हिसाब से सीटी लगाएं, इसमें 8 सीटी तक छोड़ूंगी। हम अपने तरीके से
साहब ये रेडी हो चुका है देसी मुर्गी का साल, अंडे वाली मुर्गी का सालन इस तरीके से बनाकर बेचिए। आपको कितनी ग्रेवी चाहिए उतना बना सकते हैं, इसमें चावल भी खा सकते हैं और नान भी खा सकते हैं।